आज देखते हैं किस तरीके से हम वैम सर्वर को इंस्टॉल करेंगे। वैम सर्वर ये ऑलरेडी मैंने इंस्टॉल करने के लिए डाउनलोड कर रखा है। तो वैम सर्वर होता क्या है और ये किस काम में आता है, इसके साथ जैम सर्वर या लैम सर्वर जरूर आपने सुना होगा, ये होते क्या चीज है, तो जानने के लिए हम जरा पहले वैम सर्वर पे देखें कि क्या हमारे पास है। आपके जो भी फेवरेट आपका सर्च इंजन है इसमें जाइए और यहां पर लिखिए वैम सर्वर एंड आप इसके आगे लिख सकते हैं व्हाट इज, तो ये आपको एक ग्लैंस से बता देगा कि वैम सर्वर होता क्या है। वैम सर्वर एक सॉफ्टवेयर स्टैक है, ये विकी की डेफिनेशन है। स्टैक इसलिए क्योंकि आपके पास तीन चीजों का स्टैक है, अपाचे ये आपका वेब सर्वर है, उसके ऊपर MySQL और उसके ऊपर PHP, और W का मतलब होता है विंडोज। तो W विंडोज हो गया, A आपका अपाचे हो गया, M आपका MySQL हो गया, P आपका PHP हो गया, और सर्वर क्योंकि ये पूरा आपको ये तीनों को मिला के एक वेब सर्वर प्रोवाइड करता है, यानी कि इसके अंदर आप अपनी वेबसाइट रखेंगे और इसको होस्ट करेंगे और ये कहीं से भी एक्सेस होगा आपके सिस्टम से। अगर होस्ट एक्सेस कर रहे हैं, आपके सिस्टम पे होस्ट किया है, आपके सिस्टम से एक्सेस कर रहे हैं, तो उसे हम लोकल होस्टिंग कहते हैं। तो ये वेब सर्वर आप समझ गए थोड़ा बहुत। इसके साथ आपका, मैं इसको जरा क्लिक करूं क्योंकि इसके साथ दो तीन चीजें और है जो आपको देखना जरूरी है वेब सर्वर के साथ। उसके साथ लैम्प है, उसके साथ जैम्प है। देखिए इसके कितने वर्जन है, मैम्प है, लैम्प है, सैम्प, विम्प, वीसा और जैम्प, ऐसे भी और भी चीजें आती है। तो ये लैम्प जो है लिनक्स के लिए है स्पेसिफिकली, लिनक्स, अपाचे, MySQL और PHP। इसी तरीके से जैम्प आता है XAMPP, ये बहुत बढ़िया चीज है क्योंकि ये क्रॉस प्लेटफॉर्म है। क्रॉस प्लेटफॉर्म मतलब ये किसी पे भी चलेगा। अगर आप केवल IIS वाले की बात करते हैं तो विम्प है आपके पास। तो क्योंकि वैम सर्वर इंस्टॉल करना बहुत आसान है, वैम सर्वर बहुत इजी अवेलेबल है, इसलिए हम वैम सर्वर पे जा रहे हैं। तो हम गूगल पे जाते हैं और हम क्या लिखेंगे, गूगल या जो भी आपका सर्च इंजन जिसको आप पसंद करते हैं वहां जाएंगे हम, और उसके बाद हम क्या करेंगे कि डाउनलोड वैम सर्वर, डाउनलोड वैम सर्वर। अब देखिए, अब यहां पर एक बड़ा अच्छा सवाल आएगा। अब देखिए यहां पर डाउनलोड, यहां डाउनलोड और वैम सर्वर। तो ये डाउनलोड वैम सर्वर जैसे आप लिखेंगे तो क्या क्या चीजें आएंगी, देखिएगा आप लोड वैम सर्वर। अब ये जब मैंने टाइप किया उसके बाद ही ये इंटेलिजेंस ने अपने आप ले लिया कि ये 10 विंडोज 10 64 बिट आपको किसके लिए चाहिए, 64 बिट। तो ये आपसे पूछेगा कि 80 बिट भी चाहिए क्या आपको। अगर मैं इसको छोड़ देता हूं, केवल इसको छोड़ देता हूं, तो देखिए ये बहुत सारी लिंक आ जाएगी। तो अब आपके सामने ये समस्या है कि मैं 32 बिट करूं या 64 बिट करूं, और ये भी समस्या है कि इस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए करूं। तो इसको, इसका निदान बड़ा आसान है, अपने दिस पीसी या माई कंप्यूटर पर जाइए, प्रॉपर्टीज पे क्लिक करिए, ये आपको पूरा बता देगा कि कौन सा आपका सिस्टम है, कौन सा आपका प्रोसेसर है। तो मेरे पास जैसे विंडोज 10 है और यहां पर 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है और 64 बेस प्रोसेसर है। तो मैं 32 बिट अगर मैं इंस्टॉल करता हूं और उसे रन कराऊंगा तो मुझे एरर आएगी 0xc5000007d एरर। ये 7d एरर तभी आती है जब आप 32 बिट का प्रोग्राम 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम में या सिस्टम में चलाने की कोशिश करते हैं। उसके लिए फिर आपको कंपैटिबिलिटी इश्यूज से उसको रिजॉल्व करना पड़ता है, लेकिन फिलहाल हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, 64 बिट को हम इंस्टॉल करेंगे। अगर आपका सिस्टम, अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम 32 बिट का है तो, या 32 बिट तक ही सपोर्ट करता है, तो कृपया 32 बिट डाउनलोड करें, 64 ना करें। तो क्योंकि हम इस लिंक में पहुंच चुके थे, आपको याद होगा, देखिए यहां पर हम लिंक पे पहुंच गए हैं आपके डाउनलोड वैम सर्वर में। जो पहली लिंक आएगी ये इसकी ऑफिशियल है, ऑफिशियल वेबसाइट है www.vamserver.com, और इसके अंदर जाएंगे। यहां पर EN इसलिए है क्योंकि इंग्लिश में दिखाएगा ये, क्योंकि आपने देखा होगा कुछ फ्रेंच में लिखा हुआ था। सबसे नीचे आएंगे, यहां पर डाउनलोड सेक्शन में आपके पास दो चीजें आ रही हैं फिलहाल जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, तो दो चीजें आ रही हैं, वैम सर्वर 64 बिट के लिए है, वैम सर्वर 32 बिट्स के लिए है, और आपका PHP का वर्जन बताया है और PHP का ये वर्जन बताया है। तो आप PHP कौन सा यूज करना चाहते हैं, आप वेल वर्स किससे हैं उसके हिसाब से करेंगे, और आपका सिस्टम क्या है। तो 32 बिट सिस्टम मेरा नहीं है, मैं 64 बिट के लिए करूंगा, तो 32 बिट वाले हैं वो 32 बिट का करेंगे। मैं इसको क्लिक करता हूं, 180x186 समथिंग इसका साइज है। तो ये इंस्टॉलेशन करने के लिए मुझे ये पहले ये
इसे डाउनलोड करना पड़ेगा। डाउनलोड शुरू हो जाएगा थोड़ी ही देर में, और डाउनलोड होने के बाद जैसे हम ये डाउनलोड कर लेंगे और उसके बाद देखेंगे कि इसको इंस्टॉल करना कितना आसान है, कितना इंट्यूटिव है और कितना ये आपको फायदा करता है। तो देखिएगा, आप जैसे ये क्लिक करेंगे आपको ये आएगा, कुछ चीजें पूछी जाएगी क्योंकि ये जीपीएल लाइसेंस में है और आपका जनरल पब्लिक लाइसेंस कहते हैं इसे। फिर यहां पर ये बोलेंगे कि देखिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए, इन्होंने सब बता दिया क्या क्या रीडिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। तो देखिए अगर आपके पास ये चीजें नहीं है, BC 11 BC, अगर इस पर्टिकुलर वर्जन के लिए अगर ये सब चीजें नहीं है तो आपका वेब नहीं चलेगा। तो कोशिश करिए कि आप पहले ये वार्निंग पढ़ें और वार्निंग के हिसाब से अपने सिस्टम को तैयार करें, क्योंकि अगर आप ये वीडियो देखने के बाद अगर आप बोलेंगे कि मेरा सिस्टम नहीं चल रहा है तो उसका कारण ये होगा कि ये वार्निंग्स आपने ध्यान नहीं दी है और इनपे इनके हिसाब से अपने सिस्टम को तैयार नहीं किया है। तो आप इनको पढ़ लीजिए, उसके बाद यहाँ डाउनलोड डायरेक्टली पे चले जाइए। डाउनलोड डायरेक्टली करेंगे तो ये डाउनलोड शुरू हो जाएगा। ये सोर्स फोर्ज यहां से डाउनलोड होता है, और जैसे मैंने आपको बताया कि थोड़ा बड़ा साइज है और क्योंकि वर्जन भी नया है। अब ये क्या करेगा, देखिए यहां से इंस्टॉलेशन शुरू हो गया है, सॉरी डाउनलोड शुरू हो गया है, मैं इसको कैंसिल कर देता हूं क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी है, ये मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है। इसको डाउनलोड करने के बाद आप क्या करेंगे, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी है मैं आपको दिखाता हूं, ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। उसके बाद आप देखिएगा इसको डबल क्लिक करिए और फिर ये इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगा। यस, इंग्लिश फ्रेंच चाहते हैं तो फ्रेंच भी कर सकते हैं। आई एक्सेप्ट एग्रीमेंट, नेक्स्ट। ये सब पढ़ लीजिएगा, बहुत जरूरी है। जो 64 बिट वाले हैं उनके लिए वैम 64 आएगा, जो 32 बिट वाले हैं उनके लिए कुछ नहीं आएगा, सी वैम पैकेज। लोकेशन चेंज करना चाहते हैं आपकी मर्जी है, जो लोकेशन में चाहते हैं वहां इसको कर सकते हैं। नाम जो है वो आप अपने हिसाब से दे सकते हैं, फिलहाल इसका डिफॉल्ट नाम वैम सर्वर 64 है। नेक्स्ट करिए, अभी इंस्टॉलेशन अपना शुरू कर देगा, थोड़ा समय लगेगा। उस बीच में आपको बताता हूँ कि आगे वो कुछ क्या क्या मांगना है। आपसे ये मांगेगा कि आप अपना वेब ब्राउजर कौन सा चाहते हैं, ये अगर आप डिफॉल्ट अपने आप ले लेगा। इसी तरीके से आपसे बोलेगा कि आप कौन सा, किस पे आपको PHP वगैरह लिखनी है, कौन सा नोटपैड चाहिए कि क्या चाहिए। तो ये नोटपैड के लिए बोलेगा करने के लिए, और बोलेगा कि अगर आपको नोटपैड नहीं है तो आप उसको सिलेक्ट कर लिए कि आपको कौन सा वर्ड एडिटिंग चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मैं आपको यहां बताता हूं। ये आप यहां पर सी में जाएंगे, प्रोग्राम फाइल्स में जाएंगे और यहां पर गूगल देखेंगे और उस पर क्रोम पे जाएंगे, ये क्रोम आ गया। इसी तरीके से अगर आप फायरफॉक्स वाले यही पाथ लेंगे और गूगल, ये गूगल के पहले मतलब प्रोग्राम फाइल्स के बाद आप फायरफॉक्स पे जाएंगे, आपको exe ढूंढनी है। इसी तरीके से मैंने यहां पर ढूंढ के रख दी क्रोम की। अब यहां पर मैंने ऑलरेडी ढूंढ के रखा है नोटपैड प्लस प्लस को, तो उसके लिए भी मैं आपको तरीका बता देता हूं। आप सी पे जाइए, नोटपैड प्लस प्लस बहुत ही बढ़िया चीज है। अगर आप नोटपैड यूज कर रहे हैं तो नोटपैड प्लस प्लस वही बहुत बढ़िया चीज है, इसको करेंगे तो बहुत आपको अच्छा लगेगा क्योंकि इसमें बहुत सारी फैसिलिटीज है। प्रोग्राम 86 पे जाइए, देखिए ये उन लोगों के लिए नहीं है जो इंटरनेट एक्सप्लोरर और नोटपैड पे ही काम करना चाहते हैं, जो अलग अलग चीजों पे काम करना चाहते हैं उनका एक तरीका बता रहा हूं कि अलग अलग चीजों में जाने का तरीका क्या है। जैसे मैंने आपको बताया कि आपको नोटपैड ढूंढना है तो नोटपैड प्लस प्लस पे जाएंगे, नोटपैड प्लस प्लस, और यहां पर एक सी ढूंढेंगे, ये आपको एक सी मिल गई। तो मैं इन दोनों फोल्डर को मैंने खोल रखा हुआ है, अब देखेंगे क्या करूंगा क्योंकि आगे आपसे पूछने वाला है। इंस्टॉलेशन पीछे चल रहा है और ये आगे जब ये कंप्लीशन होगा तो ये दो चीज पूछेगा। तो एक्चुअली क्या कि आपको एक इंटरफेस दे देगा, आपको एक तरीका दे देगा कि आप अपनी वेबसाइट इस पे होस्ट कर सकते हैं। तो आपने एक सर्वर अपने सिस्टम पे इंस्टॉल कर लिया, खासतौर पे जो वेब डेवलपमेंट कर रहे हैं उनके बहुत ही बढ़िया चीज है वैम सर्वर। और क्योंकि इसमें अब आजकल सब कुछ PHP पे है, देखिए फेसबुक PHP बना हुआ है, तो अब कोई चीज जो सबसे ज्यादा यूज हो रही है अगर हम उस पर काम करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, इसलिए बेटर यह है कि वैम सर्वर पे। अब देखिए जैसे ये इंस्टॉलेशन में इसने पूछा कि आई एक्सप्लोरर इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या आप चाहते हैं आपका ब्राउजर बने, अगर नहीं चाहते तो आप चूज करें, तो मैं चूज करने के लिए यस करूंगा। ये पाथ है और पाथ कौन सा है, मैं ये कॉपी करके ऑलरेडी मैंने कर रखा था, यहां पर पेस्ट कर दूंगा और उसके बाद मैं ये क्रोम सिलेक्ट कर लूंगा, बस इतना करना है मुझे। जस्ट उसके बाद ये पूछेंगे कि नोटपैड exe आपको चाहिए, नोटपैड आप टेक्स्ट एडिटर की तरह यूज करना चाहते हैं, आप कहते हैं हाँ तो यस कर दीजिए, नहीं तो मैंने जो आपको तरीका बताया था नोटपैड प्लस प्लस या जो भी आपकी वर्ड एडिटिंग जिसमें आपको अच्छी लगती है उस पाथ पे जाके इसको कंट्रोल सी कर लीजिए और कंट्रोल वी कर लेता हूं मैं इसको, उस पाथ पे पहुंच जाएगा नोटपैड प्लस प्लस exe ओपन। दोनों ही चीज मैंने यहां पर कर ली, तो अगली बार
जब ये जब मैं इसे ओपन करूंगा वैम सर्वर को, तो आप देखेंगे कि ये नोटपैड प्लस प्लस को अपने आप ओपन करेगा और जो भी आप लिंक या वेबसाइट या फिर जो भी इसमें ब्राउजर पे काम होगा वो सारा का सारा क्रोम पे होगा। तो ये फाइनल टचेस दे रहा है अपने इंस्टॉलेशन के लिए। आप नेक्स्ट कर लीजिए, यहां पर आपका फिनिश हो गया। ठीक, ये आपका इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया, वैम सर्वर यहां पर बन के आ जाएगा। आपको चाहिए कि शुरू, तो डबल क्लिक कर लीजिए। यहां पर आपसे पूछेगा कि आप चाहते हैं इस manager.exe को करेंगे। देखिए यहां पर रेड हो गया, ध्यान से देखते, रेड हुआ, अब ये ग्रीन हो गया, रेड के बाद ग्रीन हो गया। तो रेड और ग्रीन में अंतर क्या है कि मैं यहां से खोल के बताता हूं। यहां पर सर्विसेज अलग अलग, किस कौन सी सर्विसेज है, तीन सर्विसेज है, अपाचे अलग है, MySQL अलग है, PHP अलग है। तीनों की सर्विसेज आपको ओपन करनी पड़ेगी। वो ओपन जैसी होती है, अगर वो ओपन नहीं है तो ये रेड दिखाएगा, अगर वो ओपन हो जाएंगी तो ये ग्रीन हो जाएगा। तो यानी कि आपकी सारी सर्विसेज अप है और स्टार्ट हो चुकी है। अगर आपको कोई सर्विसेज से प्रॉब्लम है तो उसको स्टॉप करके फिर रिस्टार्ट कर लीजिएगा, ये इसीलिए दोनों आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं। और स्टार्ट ऑल सर्विसेज तो खैर अगर रेड है और आपने रोक रखा है तो उसको आगे बढ़ा दीजिए। तो यहां तक आपका काम हो गया। अब आपको मैं ये पहले बताता हूं, अपाचे पोर्ट 80 पे चलता है, इसको टेस्ट कर लीजिए कि देखिए 80 चलाएगी। हाँ, पोर्ट इज एक्चुअली यूज बाय दिस और यही हमारी चीज है, यही हम बेसिकली हमने जो वैम डाला है वही यूज कर रहा है, तो यहां भी कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हम यहां पर जाएंगे और देखेंगे कि MySQL, ये बोलेगा कि पोर्ट यूज बाय MySQL, जैसे मैंने बताया था कि PHP आपका पोर्ट जो यूज करता है, और कोई PHP कोई यूज नहीं करता है, आपका अपाचे यूज करता है 80 और ये MySQL आपका यूज करता है 3306। ये इंटरव्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और उसके बाद आप चेक कर लीजिए, टेस्ट कर लीजिए कि ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है। और यहाँ पर ये बोलता है बिल्कुल ठीक है, आप अगर आप जो भी चाहते हैं, अगर आप चेंज करना चाहते हैं चेंज कर लीजिए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं हमारे लिए। हम यहां पर अपना कोई भी चीज, क्योंकि अगर कोई नया है इन सब के लिए तो उसके लिए इतना बढ़िया चीज है कि पूछे मत, उसको कुछ नहीं करना पड़ेगा क्योंकि अपने आप इसने सब कर दिया। आपको पोर्ट नंबर जानने की जरूरत नहीं है, आपको बैकग्राउंड में चीजें जानने की जरूरत नहीं है। ठीक, आप यहां www डायरेक्टरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको मैं खोलता हूं। आपकी वेबसाइट का फोल्डर यहां आएगा। अगर आप जैम करते तो htdocs करके एक फोल्डर होता था, उसके अंदर आप अपनी वेबसाइट डालते थे। यहां पर आप क्योंकि वैम सर्वर यूज कर रहे हैं, यहां पर आप अपनी वेबसाइट डालेंगे या फोल्डर डालेंगे वेबसाइट वाला। ठीक, ये वाली बात भी हो गई। अब अगला देखिएगा, यहां पर आप आएंगे और यहां पर आपका लोकल होस्ट है। अब लोकल होस्ट पे जैसे जाएंगे आपको, तो ये चीज, ये पेज आपका चलना चाहिए। अगर ये पेज नहीं चल रहा है इसका मतलब कोई ना कोई दिक्कत है। ये पेज आप लीजिए, इसने बता दिया कि ये कौन कौन से पोर्ट पे चल रहे हैं, 80 पोर्ट पे आ रहा है, सारे वर्जन दिखा दिया आपने, क्या क्या चीजें हैं अंदर वो दिखा दिया। यहाँ पर आपके टूल्स हैं अलग अलग, आप यहाँ पर PHP माई एडमिन करें तो डायरेक्ट जा सकते हैं। मैं आपको ये दूसरे तरीके से बताता हूं कि हम यहां से PHP एडमिन पे जाएंगे, क्योंकि हम बात करें वेब सर्वर की तो इसलिए यहां से जाएंगे। ये भी आपको वहीं ले जाएगा जो अभी गए थे आप। PHP माई एडमिन पे जाइए। PHP माई एडमिन का मतलब ये है कि आपको MySQL को प्रेजेंट करेगा, MySQL PHP में इंटरेक्शन बताएगा। तो अब सबसे बड़ी बात यहां पर आती है कि यहां यूजर नेम पासवर्ड क्या होगा। ये सबसे बड़े, तो मैंने इंस्टॉल किया था तो ये सबसे बड़ी चीज आई थी, इसका यूजर नेम पासवर्ड तो किसी ने बताया नहीं, कैसे पता चलेगा, और आप डालेंगे तो आपको एरर देगा ये। तो इसका यूजर नेम पासवर्ड नोट कर लीजिए कहीं पे, ये रूट है इसका यूजर नेम, और पासवर्ड कुछ भी नहीं है, ब्लैंक है, गो कर लीजिए इसके बाद। और यहां पर आपका देखिए ये सारे के सारे आपके डेटाबेसेस आ गए। डेटाबेस आप सेटिंग कर सकते हैं, इसके लिए अलग से मेरा डिस्कशन है, उसको जरूर देखिएगा। और यहां पर आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन है, डेटाबेस की हो, वेब सर्वर की है, PHP एडमिन की है, सारी सारी आ गई। और यहां से आप डेटाबेस बनाना शुरू करिए, PHP से लिंक करिए और आपने वेबसाइट यहां पर बना दीजिए। और वेबसाइट करने के लिए आपको बस यहां पर करना पड़ेगा http://localhost:8080/website का नाम, बस यहां पर ये ओपन हो जाएगा। जैसे मैंने आपको यहां पर लोकल होस्ट बताया था, इसी तरीके से आपको अगर PHP माई एडमिन करते हैं तो देखेगा क्या दिखता है, ये लोकल होस्ट /PHP माई एडमिन दिया ना, बस इसकी जगह पर आपको वेबसाइट का नाम आ जाएगा, अपने आप आपकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो होपफुली आपको ये वेब सर्वर के बारे में पता चल गया, आप वैम सर्वर कैसे इंस्टॉल करेंगे और ये बेसिक क्या क्या इसमें अमेनिटीज और क्या क्या फैसिलिटीज मिली है ये आपको मैंने बता दिया। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।